बिफोर वी स्टार्ट आज का सेशन राइट, किसने कल का सेंसेक्स एक्सपायरी ट्रेड किया था या सेंसेक्स के मूवमेंट्स को देखा था? ओके, तो आपको जो एक परसीव है क्यों बता रहा हूं आपको, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि मैं क्या करता हूं, मैं एक जर्नल में अब तक जो भी सबसे खतरनाक एक्सपायरी थी उसका नोट बना के रखता हूं। लास्ट टाइम कहा था कि नहीं कहा था? राइट, सी आप ये शीट देख पा रहे हो, इसमें मैंने सेंसेक्स तो कल ऐड किया है, उसके पहले मैंने जो भी डिफिकल्ट एक्सपायरी थी अब तक की, 2016 से बैंक निफ्टी एक्सपायरी चालू हुई है वीकली, मई 2016 से, तब तक जो भी खतरनाक एक्सपायरी थी सब मैंने यहाँ पे नोट करके रखी है, और भी लाइक इसके अलावा और भी एक्सपायरी थे। तो सी इन सबसे क्या होता है, सबसे पहले तो एक पर्सपेक्टिव आता है, भले आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करें, मैं सिर्फ एक पॉइंट एक इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट्स आर ब्रूटल राइट, ठीक है, मार्केट्स ब्रूटल है राइट, मतलब मार्केट में कावट है, आसमान भी दिखाया जमीन पर भी ले आया है, गजब इसकी माया कोई भी बच ना पाया। यस, तो इसका मतलब है आपको सब अच्छा भी दिखाएगा खराब भी दिखाएगा, एंड अगर आप इस मार्केट में हो तो कभी ना कभी तो आप फंसोगे राइट, ओनली तरीका बचने का है रिस्क मैनेजमेंट। यस यस और नो, सी अगर आप अगले 5 साल 10 साल तक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करोगे, आपको लोअर सर्किट मिलेगा, अपर सर्किट मिलेगा, फ्री ट्रेड्स मिलेंगे, फ्लैश क्रैश कुछ ना कुछ तो मिलेगा राइट, इसीलिए कहते हैं आसमान भी दिखाया जमीन पर भी ले आया है गजब इसकी माया कोई भी बच ना पाया राइट। सो ओनली थिंग आप इसमें जो कर सकते हो वो है रिस्क मैनेजमेंट, जो हम आगे जाते जाते धीरे धीरे कवर करेंगे राइट। सो अगर आप देखो ये सब मैंने सब एक्सपायरीज नोट कर रखी है जहाँ डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये नोट करना चालू करो, बिकॉज क्या होता है पता है, जब पैसा बनता है ना, आज समझो आपका लॉस हुआ है तो आप 3 दिन 4 दिन सोचोगे नहीं मैं आराम से ट्रेड करूंगा, वापस 5 दिन पैसा बनेगा, 6 डेज में सोचोगे नहीं यार क्या स्टॉप लॉस सब देखेंगे राइट, एंड ये होता है। सो ये जरूरी है, तो आप ये सब नोट रखोगे आपके स्क्रीन के सामने रहेगा ना, सुबह मार्केट चालू होने से पहले रीड करो तो आपको दिमाग में रहेगा भाई ये कभी भी हो सकता है। ओके, आगे जाते जाते मतलब वैसी बहुत सारी चीजें, बस मैं 2016 से ऐसा एक दिन भी मैंने ट्रेड नहीं किया है, तो मैंने हर एक दिन नोट किए जर्नल में, जब जब मेरा बड़ा लॉस हुआ है, जब जब मुझे लगता था कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, देन मार्केट ने वापस भी बैक फुट पे लेके आ गया, बट कभी भी ऐसा लॉस नहीं हुआ कि अगले दिन आके ट्रेड नहीं कर सकते। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सी जैसा कि मैंने कहा कि इसको मुझे धीरे धीरे इस कम्युनिटी को बिल्ड करना है राइट, तो हम बेसिक्स पे कवर करेंगे, अगर आपको आता भी सब कुछ है तो भी आपको कुछ ना कुछ तो इनसाइट्स डेफिनेटली मिलेंगे, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए तो काफी अच्छा है, पर हम धीरे धीरे, सी मेरा पर्पस नहीं, जैसा कि मैंने कहा राइट, मेरा पर्पस नहीं है कि मैं आपको टिप्स दूं या कुछ कॉल्स दूं, मेरा पर्पस है आपको राइट तरीके बताऊं, इन दी एंड हम अपने तरीके से उनको अप्लाई कर सकते हैं कि चलो एक लर्निंग मिली इसको मैं मेरे तरीके से कैसे अप्लाई करूं। ओके, तो ये एजेंडा रहेगा, एंड धीरे धीरे कल लास्ट टाइम कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, धीरे धीरे हर सेशन में कुछ ना कुछ टॉपिक करेंगे, एंड आगे जाते जाते लाइक अभी समझो आप एक नए स्टेज पे चालू करें, आगे जाते हुए बहुत सारी लर्निंग्स आएगी, आज कुछ बेसिक्स कवर किया पहले टेक्निकल्स कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑप्शंस की तरफ भी मूव करेंगे, ऑप्शंस में क्या क्या चीजें जाननी रहती है राइट। सो मेरा पर्पज है जो भी जितना भी वैल्यू दे पाऊं मैं दे पाऊं, इन दी एंड आपके ऊपर है आप क्या यूज करके क्या अप्लाई कर रहे हो। ओके, सो आज का सेशन चालू करें उसके पहले लास्ट टाइम जो किया था उसको एक क्विकली रिविजन कर लेते 2 मिनट, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ओके अब ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम ने क्या डिस्कस किया था कि जो मेजर फॉल्ट्स है ट्रेडर्स में राइट, वो क्या होती है, कॉन्ट्रा सोचते हैं, यस और नो, आप हमेशा कॉन्ट्रा सोचते हो कि यार मार्केट यहां से पलट जाएगी, मार्केट यहां से पलट जाएगी राइट, बहुत से लोगों को बड़े प्रॉफिट से डर लगता है, यार नहीं, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, पलट गई तो पलट गई तो, एंड वो निकल जाता है राइट। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा मत सोचिए, ट्रेंड के साथ रहिए, ठीक है? फिर हमने कहा था कि ट्रेंड जो है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में राइट, तो आपको सिर्फ सिंपल तरीका जो हमने डिसाइड किया था कि अगर जो भी चार्ट देख रहे हो प्राइस अगर 20 SMA के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, 20 SMA के नीचे ट्रेंड बेरिश है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल चीजें करो ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि स्टॉप लॉस ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि
कि स्टॉप लॉस ऐसा लेवल है कि अगर वो हिट हुआ तो आपके टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड चेंज हो गया है, यस और नो? सी हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप देखो। मैं इसका डेली चार्ट कर, अब ये ध्यान से सुनना, ये जब ग्रीन कैंडल बनी थी, एक बार इसमें 20 पॉइंट ज्यादा प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है? ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लॉजिकल होना चाहिए। ये जब ग्रीन कैंडल बनी थी, राइट, तब ट्रेंड बुलिश था, यस और नो? अब चार्ट पे लिखिए ट्रेंड, ये जब ग्रीन कैंडल बनी थी ट्रेंड बुलिश था, नहीं था, राइट? उसके बाद क्या हुआ? अगर समझो ये ट्रेंड बुलिश है तो आपका स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब या तो फिर ये कैंडल का लो हिट हो, या तो फिर ये बेसिकली 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए, राइट? यस और नो? ये रेड कैंडल बनी, वहां बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा सोच के कि यार बस नीचे आ गया एग्जिट कर लेता हूँ, यस और नो? होता है, राइट? कि यार एक रेड कैंडल बनी, सोचते कि नहीं यार हो गया, मार्केट ऊपर जाने वाला था स्टॉक, नहीं ऊपर गया, नीचे आ गया, यस? होता है कि नहीं? बट अगर लॉजिकली सोचो, फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन में वापस ऊपर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप ट्रेड में आते हो ये सोच के कि यार मैं ट्रेड में आ रहा हूं, मैं आज यहाँ पे रिलायंस यहाँ पे क्लोजिंग थी, अगले दिन तो लग रहा था भाई गैप अप ही खुलेगा, पर क्या हुआ? नीचे आ गया, ठीक है? पर उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन मार्केट पलट गया, लाइक रिलायंस नीचे है, वापस 2 दिन बाद वापस ऊपर गया। तो उसको ट्रेंड पॉजिटिव है, राइट? तो उसको इंट्राडे कैसे हम समझेंगे, बट एटलीस्ट स्टॉप लॉस क्या ये आपको समझ, इंट्राडे ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो हम लोग उसको तो एकदम काफी एंड में कवर करेंगे, आई नो सबको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है, करना है, बट पहले आप जब तक आपके बेसिक्स फंडा क्लियर नहीं होंगे, आप हायर लेवल्स पे ट्रेड, लाइक हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो तक इंट्राडे आके मतलब नहीं, राइट? तो आई होप स्टॉप लॉस क्या है वो क्लियर हो गया है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, राइट, कि यार एक रेड कैंडल बनी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं, स्टॉप लॉस का मतलब ही है कि अगर जब तक आपके टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, तो ओके, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस बेसिकली ऐसा लेवल है कि अगर वो हिट हो रहा है तो आपके टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड चेंज होगा तो आपका स्टॉप लॉस, ओके, ये समझ लिया था। देन बेसिकली ये समझा था कि लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल कि मैं स्टॉप लॉस स्टॉक 300 बाय कराउं, 219 का स्टॉप लॉस रैंडमली लगा दिया, नहीं, तो वो एक जरूरी चीज है, आपको पता होना चाहिए। फिर बेस्ट एंट्री कहाँ मिलती है? सी बेस्ट एंट्री आपको मिलती है, सी आपको ट्रेंड पॉजिटिव है तो समझ में आ गया, पर ट्रेंड पॉजिटिव है का मतलब नहीं आप रैंडमली किधर भी बाई करोगे, राइट? हमने लास्ट टाइम थोड़े एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि बेस्ट एंट्री आपको मिलेगी जहां पर सपोर्ट के आसपास, तो आप सपोर्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे, बट 20 मूविंग एवरेज अगर हमारा ट्रेंड डिसाइड कर रहा है तो उसके आसपास एक बेस्ट एंट्री मिलेगी। बेस्ट एंट्री के लिए ग्रीन कैंडलस्टिक, आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे, सपोर्ट और कैंडलस्टिक। और लास्ट में ये दो पॉइंट कवर करेंगे कि यार पोजीशन साइजिंग को कैसे करना, ओके? तो चालू करें, ओके, ठीक है। तो सी सबसे पहला आज का जो एजेंडा है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सी काफी सिंपल टॉपिक है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है, तो उसको यूज कैसे करना है, सी जिसके भी जो भी क्वेश्चन है आप उसमें इसमें लिखिए, राइट? मैं एंड में सब आंसर, ऑलरेडी आप काफी क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पर लिखिए तो मेरे लिए इजी रहेगा आंसर करना, ओके, ठीक है? तो मैं वापस एक बार वो लिंक डाल देता हूँ चैट में, मैंने वापस गूगल फॉर्म की लिंक डाल दी है, आप उसमें आंसर कर सकते, ठीक है? ओके, सो ओके, तो अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक।
ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सी मुझे खुद खुद समझ में आता है कि आपको काफी चीजें ऑलरेडी आती है, इसलिए मैं ज्यादा बेसिक्स पे टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, जो भी एक्शनेबल कंटेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल पे, ठीक है, एक आ जाता है सपोर्ट का डेफिनेशन क्या होता है। आप स्क्रीन देख पा रहे हो मेरी? ओके, स्क्रीन देख पा रहे हो? ओके, तो सपोर्ट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है चार्ट पर जहां मैंने लिखा है वेयर देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेटेंट डिमांड, ठीक है, चलो ये एक पॉइंट है। पर रेजिस्टेंस क्या है? सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली सपोर्ट ऐसा पॉइंट है जहां पर लेटेंट डिमांड है चार्ट, ओके, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट है वेयर देयर इज ओवरहेड सप्लाई। तो दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने हाईलाइट की है, लेटेंट डिमांड एंड ओवरहेड सप्लाई। तो लेटेंट डिमांड का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। सी सपोर्ट क्या सबको ऑलमोस्ट पता ही है, राइट। तो लेटेंट डिमांड का मतलब, सी लेटेंट डिमांड का मतलब है सोई हुई डिमांड। सोई हुई डिमांड का मतलब है जब प्राइस वो लेवल पे आएगी तब वो डिमांड आएगी, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये आईटीसी का चार्ट है, ठीक है, ये एक चार्ट है। तो आप देखो कि इस एग्जांपल में कि 200 के आसपास जब भी स्टॉक आ रहा है एक बाउंस आ रहा है, जब भी 200 के आसपास आ रहा है एक बाउंस आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज 200 के आसपास स्टॉक में बायर्स बैठे हुए हैं, एक डिमांड है। तो जैसे ही 200 पे स्टॉक आ रहा है बाइंग ऑर्डर आते हैं, स्टॉक ऊपर भाग जाता है, यस और नो? ओके, ठीक है। 200 के आसपास जब भी स्टॉक आता है स्टॉक ऊपर भाग जाता है, ओके तो अब बहुत लोग सोचेंगे यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते क्यों है। सी अगर आप सोचो कि सी बहुत सारे फंड हाउसेज है, फॉर एग्जांपल LIC है, एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज है जिनको, जिनके पास पैसा है उनको मार्केट में एलोकेट कर, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे रैंडमली कोई भी लेवल बाय नहीं करते। उनके लिए एक बैंड होता है कि यार आईटीसी सपोज 200 से 220 के आसपास अट्रैक्टिव लग रहा है, जब यहाँ पर आएगा तो सपोज उनके पास 100 करोड़ है, तो उन्होंने यहाँ पे 10 करोड़ लगा दिए, स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर आया थोड़े और पैसे लगाए इसलिए और ऊपर गया। जब भी वो लेवल के आसपास स्टॉक आता है उनके पैसे डिप्लॉय होते हैं, इसके लिए आप देखते हो कि ये लेवल्स काम करते हैं, स्टॉक वहां से भाग जाता है ऊपर, यस और नो? तो सपोर्ट समझा क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स देंगे ताकि चीजें और क्लियर हो, ओके। तो बेसिकली एक ऐसा लेवल है चार्ट पर जहां पर एक लेटेंट डिमांड होती है, मतलब सोई हुई डिमांड, जब वहां पर प्राइस आएगी स्टॉक में चांसेस है यहां से बाउंस आएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? सी रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट है जहां पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है, बेसिकली जहां वहां पर अगर स्टॉक आएगा तो वहां पर सेलिंग डिमांड है। तो आईटीसी में अगर आप देखो कि 200 के आसपास जब भी स्टॉक आ रहा था बार बार ऊपर जा रहा था, एंड ये जो जोन है 250 के आसपास जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, वहां पर जब भी आ रहा था देखो स्टॉक नीचे जा रहा था, यस और नो? क्लियर? सो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ये दो चीज है, बट हम इसको एग्जाम्पल लेंगे और थोड़े डिटेल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब सबसे पहले यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते क्यों है, राइट। यार सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी आप एक स्टॉक में देखोगे बहुत सारे सपोर्ट हो सकते हैं, एक ही स्टॉक में बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो ये बनते क्यों है? तो अब इसको ऐसे समझिए कि सपोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज आपने आईटीसी के स्टॉक को 200 पे बाई किया, ठीक है, एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को लगता है कि ये लेवल एक अच्छा लेवल है, तो जब भी इसके आसपास आएगा उसमें वो पैसा डिप्लॉय करते हैं, राइट। उनके पास बहुत सारा पैसा, वो एक साथ डिप्लॉय नहीं करते, तो आज कुछ करोड़ की अगली बार थोड़ा और पैसा करेंगे, तो जब भी स्टॉक इसके आसपास आता है वो भागता है। सपोज आपने आईटीसी 200 में बाई किया, राइट, आपने 200 में बाई किया, सपोज स्टॉक भाग के 250 आ गया, ओके, आपने 200 को बाई किया तो किसने 200 पे सेल भी किया है, यस और नो? तो सपोज अभी स्टॉक जाकर ऊपर 250 चला गया, फॉर एग्जाम्पल दे रहे, राइट। तो सपोज 250 लोगों को लगता है कि यार समझो आप किसी ने 200 को बाई किया, 250 पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या करेगा, एग्जिट करने की कोशिश करेगा,
तो वो सपोज सेल कर रहा है 250, वो अगर 250 पे सेल कर रहा है और काफी लोग सेल कर रहे हैं तो स्टॉक नीचे आएगा, राइट। लेकिन सपोज किसने 200 पे बाई, 200 पे किसी ने उसको बाई किया हुआ है, राइट, वो 250 पे सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह मार्केट में और भी पार्टिसिपेंट है जिसने 200 पे सेल किया है, एंड अगर स्टॉक 250 के आसपास है और थोड़ा भी नीचे आता है तो उनको भी एग्जिट करना है। तो बेसिकली हर स्टॉक में ऐसे लेवल होते हैं जिसकी वजह से बेसिकली सपोज आपने 200 पे बाई किया, राइट, आपने 200 पे स्टॉक को बाई किया, स्टॉक भाग के 250 चल गया, आपको लग रहा है 250 ऐसा जोन है जहां से मुझे एग्जिट करना है। तो सपोज बीच में बहुत सारे लोग फंसे हैं, राइट, 200 से 250 में, समझो किसी ने 200 से 250 के बीच में शॉर्ट भी किया है, बाई भी किया है, राइट। तो उन सब के डिसीजन से ये सब लेवल्स बनते हैं, राइट। मेजोरिटी जो बेसिकली बड़े प्लेयर्स है उनके बाइंग ऑर्डर स्पेसिफिक लेवल्स पे होते हैं, वो ऐसे बाई नहीं करते, मार्केट ऑर्डर डाल के बाई नहीं करते कि आईटीसी मुझे बाई करना है 1 लाख शेयर में, सीधा मार्केट ऑर्डर डाल, राइट। वो बेसिकली लेवल डिसाइड करते हैं कि ये लेवल के बीच में मैं बाई करूंगा और ये लेवल के बीच में हम सेल करेंगे। बस उनकी इतनी क्वांटिटी होती है कि वो एक दिन में भी सेल नहीं कर सकते, उनको कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक वो पोजिशन धीरे धीरे कम करनी पड़ती है। समझो किसी का बहुत बड़ा स्टेक है, किसी का लाखों शेयर है, तो वो एक दिन में 1 लाख शेयर नहीं बेच सकता, बिकॉज अगर वो एक दिन में बहुत सारे शेयर बेच रहा है तो वो खुद ही प्राइस को नीचे लेके जाएगा, वो धीरे धीरे ट्रांचेस में बेचते हैं। एंड इसलिए आप देखोगे कि ये जो जोन है इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड वहीं से स्टॉक बार बार बाउंस करता है या बार बार पलटता है। आई होप क्लियर है, राइट, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो पर्पस है उसको अप्लाई कैसे करना उस पर। क्लियर है तो एक बार चैट में येस लिखिए, देन वील मूव अगेन। ओके, सी अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, ये बेसिकली दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर जोन्स एंड नॉट एग्जैक्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं बोलोगे कि कोई सपोज आईटीसी का एग्जांपल, कि आईटीसी में 200 का स्टॉप लॉस है, बेसिकली 200 से 195 या एक कोई जोन इज अ सपोर्ट जोन। सी सपोज किसी म्यूचुअल फंड को अगर 200 पे आईटीसी बाई करना है तो 190 मिलेगा तो बाई नहीं करेगा क्या? करेगा, राइट। एंड कितनी बार एक साथ बहुत सारा सेलिंग ऑर्डर रहता है तो देखते हो कि स्टॉक क्या करते, सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं देन भागते हैं, राइट। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते, ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि हाँ 200 इज अ स्टॉप लॉस, 200 इज अ सपोर्ट। एक सपोर्ट एक जोन होता है, बैंड होता है, एंड रेजिस्टेंस भी उसी तरह एक जोन होता है, एंड एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होते, राइट। ये क्लियर है? यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन? सेकेंड पॉइंट इज अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। अब ये समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि जो पहले का सपोर्ट है वो आप सुनते हो रहे होंगे काफी बार कि वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है एंड वाइस वर्सा। अब इसको हम एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है। मैं आईटीसी का ही चार्ट ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम करता हूँ ताकि बड़े चार्ट्स मिले। ठीक है, आप ये चार्ट देख पा रहे हो? ठीक है, क्या पॉइंट मैंने कहा? अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ठीक ये लाइन दिख रही है आपको, रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ठीक है। मैं इसको जस्ट थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये 250 के आसपास बनी है, राइट। तो बेसिकली अगर आप ये देखो कि अभी एग्जांपल को ध्यान से सुनो, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि स्टॉक, ये सब आईटीसी का चार्ट है, ये देखो 250 के आसपास आया, बाउंस हुआ, 250 का दूसरी बार आया, बाउंस हुआ, राइट। पहले भी यहां पर आया, बाउंस हुआ, यस और नो? हो रहा है कि नहीं? ओके, ये क्यों होता है अब ये समझो। तो सपोज किसी के पास बहुत सारा पैसा है, राइट, और उसको डिप्लॉय करना है अच्छे स्टॉक्स में जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आईटीसी का स्टॉक 250 पे उनको लग रहा है अट्रैक्टिव है,
तो यहाँ पे समझो उन्होंने कुछ पैसा डिप्लॉय किया, राइट। अभी किसके समझो 1000 करोड़ है, यहाँ पे 200 करोड़ डिप्लॉय किए। अगली बार वापस आ गया, चलो और 500 करोड़ डिप्लॉय करते। अगली बार वापस आ गया, बाकी का पैसा भी डिप्लॉय करते, वापस आ गया कुछ डिप्लॉय करते, यस और नो? तो धीरे धीरे ट्रांचेस में डिप्लॉय करे जब भी आ रहा है। पर हमारा पॉइंट क्या है, मोर टाइम अ सपोर्ट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स। इसका मतलब है अगर कोई सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रहा है तो वो वीक बन जाता है। वीक का मतलब क्या होता है, वीक का मतलब क्या हुआ कि वो टूट सकता है, यस और नो? मोर टाइम द सपोर्ट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स। अब आप समझो लॉजिकली ये टूट क्यों सकता है, यार किसके पास पैसे है, उसने यहाँ ही डिप्लॉय कर दिए, यहाँ डिप्लॉय कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए। अब जब अगली बार यहाँ आने वाला है उसके पास पैसे बचेंगे डिप्लॉय करने के लिए, नहीं, राइट? तो यहां पर अगर कोई बड़ा बाइंग ऑर्डर आने ही नहीं वाला है तो चांसेस है वो सपोर्ट टूट जाए। इसलिए कहते हैं द मोर टाइम अ सपोर्ट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम। अब देखो यहां पर ये सपोर्ट टूटा, राइट, इसके बाद आप आईटीसी में फॉल देखो, देख पा रहे हो, क्योंकि ये काफी बड़ा सपोर्ट था वो टूट गया है, एक फास्ट फॉल है, यस और नो? ये बेसिक पॉइंट्स है, बट ये सब भी अगर आप समझ लो, सी टेक बेसिकली ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि हाई फाई स्ट्रैटेजीज हो जाए या ये सब हो जाए, राइट। ट्रेडिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्राइस एक्शन। अगर आप बेसिक प्राइस एक्शन को मास्टर कर लो एंड सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, देन आप एक स्टेप क्लोजर आ जाओगे टू बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, इज इट क्लियर? द मोर टाइम द सपोर्ट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स। क्लियर है क्यों ऐसा होता है? ठीक है, फिर एक और पॉइंट हमने कहा था कि यार अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस, कहा था कि नहीं? मैंने यहां पे एक और पॉइंट लिखा है कि अर्लियर सपोर्ट, ठीक है, मोर टाइम द सपोर्ट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स, अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस। अब ये ऐसा क्यों होता है भाई, अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस क्यों करेगा? अब ये समझो, देखो यहां पर सपोज आप हो आपने ना, ठीक है, आप हो, ओके, आप टेक्निकल सीख रहे हो, राइट, ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आपने ये तीनों बार बाई नहीं किया, ठीक है, पर आपको पता है कि यार 250 तो अच्छा लेवल है, अब तो आएगा तो पक्का बाई करूं, राइट। यहां पर आप सिर्फ सीख रहे थे तो आप अप्लाई नहीं कर पाए, यहां पर आप सीख गए, आपने अप्लाई किया, यस, आपने बोला भाई सर ने बोला 250 गुड सपोर्ट, लेट मी बाय। लेकिन क्या हुआ, जैसा कि हर बार होता है, आप बाय करते हो और क्या होता है, क्रैश, ठीक है, होता है कि नहीं? यस, अब आप सोचो आपने 250 पे बाय किया, ऐसे आपके साथ बहुत सारे लोग हैं कि यार जो चार्ट देख रहे हैं यार 250 से बार बार पलटता है, आप 250 आ गया, आप तो बाय करना है, यस और नो? राइट, फोमो, भाई यहाँ पे बाई नहीं किया, ये भाग गया स्टॉक, मेरे दोस्त ने तो बाई कर लिया, अब इस बार आएगा मैं बाई कर, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, अब क्या वो बाई होते ही स्टॉक नीचे चला गया, आप क्या बन गए, ट्रेडर से? ट्रेडर से क्या बन गए आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? आपने यहाँ पे तो ट्रेड के लिए लिया था ना, पर अब क्या बन गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब खुद को जस्टिफाई करो, आईटीसी ग्रेट कंपनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ही है, या मल्टी बैगर, ये वो, राइट, ठीक है, आप अभी एग्जिट नहीं करोगे बिकॉज आप लॉस बुक नहीं करोगे, आप अभी इसको होल्ड करो, ठीक है, कितने में? आपने बहुत टाइम होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, प्राइस इसके आसपास आ गई, अब आप क्या करोगे, प्राइस उसके आसपास आ गई, अब क्या करोगे आप, 2-3 महीने बाद प्राइस आ गई, भाई निकलो, एक बार निकलो इसमें से, कुछ अच्छी कंपनी नहीं है, राइट। जैसा कि मैंने कहा, हम मार्केट में सब भाव के खिलाड़ी है, राइट, एक अच्छी कंपनी एक दिन में आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, 20% नीचे खुलेगी तो, राइट, यहां पे आप एग्जिट करोगे, यस और नो? आपके साथ बहुत सारे लोग एग्जिट करेंगे, तो इसलिए वापस स्टॉक जो अर्लियर सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं वो सपोर्ट के आसपास, तो वो सेलिंग करेंगे एंड इसलिए स्टॉक बार 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 पलटता है। कैन यू सी, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्यों होता है? सी, जितना बेसिक फंडा आपका क्लियर होगा ना उतनी आपकी ट्रेडिंग और बेटर होगी,
राइट, अगर आपने से कुछ इसमें नया सीखा है, ये काफी बेसिक पॉइंट्स है, राइट, बेसिक पॉइंट्स, बट काफी लोगों को यही क्लियर नहीं होता है। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो टाइप न्यू टाइप कर दो, मुझे समझ में आएगा कि ऑडियंस कैसी है, राइट। चैट में एक बार न्यू लिख लो तो आई विल अंडरस्टैंड कि यस, ओके दैट्स ग्रेट। तो आप ये समझ में पा रहे हो कि आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग इज ऑल फायर बिटवीन बुल्स एंड बेयर, राइट। आपको समझना सिर्फ है कौन जीत रहा है, जो जीत रहा है वो साइड रहना है। एंड सी, ये तो अभी हमारा सेकंड सेशन है, जैसे जैसे आगे जाएंगे राइट, वील इम्प्रोवाइज ऑन दिस, थोड़ी और एडवांस लर्निंग, अभी तो थोड़ी बेसिक बातें कर रहे हैं, बट जब तक मेरे लिए बेसिक, बिकॉज मुझे चाहिए कि जो ऑडियंस एक लेवल पे आ जाए ताकि मैं आगे कम्युनिकेशन मेरे लिए इजी हो जाए। अगर मैं ये बेसिक नहीं क्लियर करूँ और सीधा कुछ एडवांस बातें करूँ तो बहुत सारे लोग को समझ नहीं आएगा। ओके, वॉइस सबके लिए क्लियर है? ओके कोई बोल रहा है संडे को भी सेशन रखी है, भाई मैरिड हूँ, वाइफ घर से निकाल देगी, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है, अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, मोर टाइम इट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स। ओके, सो आप देख रहे हो कि बार बार आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझो ना, आपने 250 पे लिया ये सोच के कि भागेगा, बहुत टाइम तक स्टॉक गिर गया, वापस ऊपर आ रहा है, आपका सबसे पहला रिएक्शन होगा कि एक बार इससे निकलता हूं, कोई दूसरे स्टॉक में जाऊंगा, राइट। इसलिए देखो कि बार बार स्टॉक उस जोन के आसपास सेलिंग प्रेशर अवॉइड करता है, राइट, वहां पे आता है वापस, देखो वापस सेलिंग है यहाँ पर, राइट, ठीक है। एंड जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी सेलिंग, उसके बाद स्टॉक अगर ऊपर जाता है, इस एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं, अब देखो उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, इसको सिर्फ जूम कर रहा हूँ, कि ये सपोर्ट था, सेलिंग जोन की तरह एक्ट कर रहा था, एक बार ये सेलिंग जोन पूरा क्लियर हो गया, स्टॉक अगर उसके ऊपर आया तो वापस ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यस और ना, देखो यहाँ पर वापस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यस। इसी तरह क्लियर, इसी तरह स्टॉक में बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, एक ही होता है क्या? सी हर, समझो किसी म्यूचुअल फंड ने 200 पे आईटीसी लिया, अभी आईटीसी 600 चला गया तो क्या 200 का वेट करेगा? नहीं, राइट। तो ऐसे इसी तरह सिमिलरली स्टॉक में नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहेंगे, यस और नो, इज इट क्लियर? तो इसलिए स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, राइट, ओके क्लियर, ठीक। तो अब यार सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए कैसे, वो एक पहले 3 पॉइंट जो मैंने समराइज किए वो मैं बोल देता हूँ, जो आपको जरूरी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आर एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट पॉइंट बट जोन्स, ठीक है। अर्लियर सपोर्ट एक्सेस रेजिस्टेंस वाइस वर्सा, मैंने समझाया क्यों। मोर टाइम इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम, बहुत सारी जगह गलत लाइक लिखा रहता है कि जितनी बार टेस्ट होता है उतना स्ट्रांग होता है, मैंने भी पढ़ा हुआ है किधर ना किधर, बट नहीं, मोर टाइम इट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यार ये समझ में आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए कैसे, राइट, यस और नो, इज इट क्लियर? तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है, मैं डेली चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, डेली चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आप, आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी स्विंग्स होते हैं ना, स्विंग क्या होता है सर, स्विंग मतलब बेसिकली चार्ट के ऊपर कोई एक टॉप या कोई बॉटम बना है, उनको मार्क करना है, क्लियर, ठीक है। इनके जो पॉइंट्स है मैं यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा, ठीक है, आपको एक स्विंग्स चार्ट पे मार्क करनी है, ठीक है, समझ में, इसको मार्क कर देते। सबसे पहले ये एक टॉप बना था, यस और नो, 500 के आसपास मार्क कर लिया, ठीक है। एक और कहाँ टॉप बना है, ये 475 के आसपास, इसको मार्क कर लिया, ठीक है। और एक कहाँ स्विंग बना है, लाइक बेसिकली स्विंग मतलब जहां से मार्क स्टॉक या कोई चीज पलटी हो, राइट, ये डेली टाइम फ्रेम में कर, ठीक है, ये एक लेवल है जहां से पलटा है स्टॉक, यस और नो, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, ठीक है, स्टॉक ये सब जोन से पलटा है,
ठीक है, तो आपने अभी इस पे ऊपर में दो रेजिस्टेंस तो मार्क कर लिए, 475 पहला, 500 दूसरा, यस और नो? नीचे में एक 425 सपोर्ट आ रहा है, इसके अलावा और नीचे में और भी ऐसे जोन आएंगे। अभी ये देखो, ये भी एक लो था जहां से स्टॉक गिर के पलटा, राइट, लगभग 400 के आसपास, यस। तो इसी तरह स्टॉक पर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आएंगे, यस और नो? इज इट क्लियर? अब और एग्जाम्पल देता कि चीजें और क्लियर, राइट? इतना भी फंडा आप समझ लोगे ना, लिटरली इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। मैं भी इस पे एक HDFC बैंक का करते हैं, वो काफी डिस्कस हो रहा है सोशल, राइट? ओके, अब आ जाते हैं HDFC बैंक के चार्ट। अभी इसको ध्यान से समझना, ठीक है? मैं पहले पीछे जाता हूँ थोड़ा, ठीक है? थोड़ा सा स्लो। डेली चार्ट, ये एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है, यस और नो? राइट, राइट, ये भी एक है, ये है। एंड अब सोचो, अब सोचो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, राइट? ये पूरा 1700 1750 एक रेजिस्टेंस जोन है कि नहीं? ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन, राइट? एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, जोन होता है, ओके? राइट, बहुत सारे लोग सोचते हैं 1700 और 1720 आ गया, रेजिस्टेंस ब्रोकन, बस नहीं, जोन होता है, इट्स नॉट एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है? अब वापस इसको मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ, यहां पर अगर आप एक सेकेंड में इसी को दूसरे टूल से मार्क कर दूं, ये है कि नहीं, राइट? पहले भी यही था, यहां पर भी था, ये सुनो। तो आप देखो, यहां पर किया, यहां पर गया, यहां पर गया, तो मतलब कितना बड़ा सेलिंग जोन है कि 4 बार भी उसके पास आने के बाद अभी भी सेलिंग प्रेशर है, राइट? 5वीं बार भी आया, ये सुनो, यहां पर वापस आया कि नहीं? मतलब 5 बार HDFC बैंक ने इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब एक इतना बड़ा सेलर बैठा है वहां पर कि जब भी 1700 का लेवल आएगा उसके सेलिंग ऑर्डर आ जाते, राइट? यस और नो? एंड ये कितनी बार हुआ है, ये तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद यहां पे भी तो हुआ है, पीछे आ जाते चार्ट पे, ठीक है? चार्ट पर अगर पीछे आओगे तो आप देखोगे कि यार ये तो राइट, यहां पर भी हुआ है। अब इसको समझो, देखो ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको से पूरा आगे तक एक्शन, ठीक है? अब आप देखो कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड वापस यहां पर, ये 7 टाइम, मतलब ये इतना बड़ा सेलिंग जोन है कि जब भी प्राइस इसके आसपास आ रही है, राइट, यहां पर कोई ना कोई एक सेलर सेलिंग के लिए आ रहा है। ये क्लियर हो रहा है कैसे मार्क करना है? तो आपने क्या किया, एक स्विंग को पकड़ा, राइट? एंड जी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको रिसेंट, जो डेली चार्ट कर रहे हो, तो पिछले 2-3 महीने के आसपास जो भी स्विंग हाई स्विंग लो है उसको मार्क करना है, क्लियर है? ठीक है, तो ये स्विंग माइक मतलब बेसिकली 1700 का जोन, पहले सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एक जोन होता है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं। कितने लोग एग्जैक्ट पॉइंट यूज करते थे, राइट? तो ये पॉइंट क्लियर है कि जोन होता है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं। इसलिए आप देखो कि प्राइस ऊपर जाती है, बार बार पड़ जाती है, बार ऊपर जाती है, बार बार पड़ जाती है, राइट?
ठीक है। हाँ ठीक है, यस ठीक है। तो बेसिकली जोन होता है राइट। एंड अगर आप अभी यहां पर लॉजिकली सोचो कि यहां पर अगर 1700 के ऊपर इतनी बार जा रहा है, यार सर आपने सीखा है ना, मोर टाइम इट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स, यस और नो? वीकर इट बिकम्स सर, यहां पर अभी ये फिफ्थ सिक्स टाइम टूट रहा है, अब तो भागने ही वाला है। आपने यहाँ पे बाई किया, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं सबने बाई किया, लेकिन क्या हुआ कि सेलिंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर से ज्यादा बड़ा है। एचडीएफसी बैंक राइट, तो आपको बड़ा पैसा चाहिए इसको मूव करने के लिए। इसलिए आप देखो कि जब ब्रेकआउट फेल होता है तब देखो मूव भी इतना फास्ट आता है नीचे। यहां पर देखो, यस क्लियर हो रहा है? सी ट्रेड कैसे करना है वो तो बहुत बात की बात है, बट इसको पहले बेसिक्स को समझो राइट, कैसे मार्क करना है, समझ गया? अब स्विंग लो भी मार्क कर लेते हैं। क्या बेसिकली स्विंग लो का मतलब है कि ऐसा लेवल जहां पर प्राइस एक्शन हुआ है, एक सिग्निफिकेंट टर्न हुआ है मार्केट। ओके, तो एचडीएफसी बैंक में आते हैं ठीक है। अब ये है जोन, यस और नो? यहां से पलटा था ये जोन है कि नहीं? ठीक है, वापस यार वापस, और क्या क्या जोन आ सकते हैं कि यार यहां से भी पलटा था, यस और नो? अगर आप यहां पर हो ट्रेडिंग करने में तो आप ये सब जोन मार्क करके रखोगे, यार यहां से भी पलटा था, ये भी एक जोन है। बेसिकली जोन आपको मार्क करना है, ये सिंपल एक लेवल नहीं कि भाई यार ठीक है ये लेवल है ये, इट्स ऑल जोन राइट। तो आप देखो कि आपने अब जोन को मार्क करके रखा है। सबसे पहले तो क्या हुआ, जब आप यहां पर थे, आप यहां पर ट्रेड कर रहे हो, आप पोजीशन लेके गए, गैप डाउन खुला, सबसे पहले आप क्या सोचोगे भाई 1450 अच्छा स्टॉप लॉस यहां से बाउंस होगा, यस और नो? राइट, यस और नो? यहाँ पे भी स्टॉक तो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, भाग नहीं पा रहा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, ये जोन के आसपास 1300 सी 1400 राइट। उसके बाद अगर और पीछे जाओ तो आपको और दिखेगा कि ये जो जोन है 1300 पे भी राइट। तो अब देखो एक ही स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, यस और नो? तो ये क्लियर कर लो कि एक स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, एंड आपको बेसिकली अगर उनको मार्क करना है तो स्विंग्स को मार्क करो राइट। कोई सिंपल कैंडल स्टिक का, लेकिन अगर आपको एक बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ, वो बड़े पिक्चर पे अगर मार्क करना है तो आपको बेसिकली स्विंग्स को मार्क करना है, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये स्टॉप लॉस है। बिकॉज स्टॉप लॉस एक सिंपल पॉइंट नहीं होता है राइट, एक जोन होता है। तो आई होप समझ में आ रहा है कि कैसे मार्क किया हमने, आप कर पाओगे अपने लिए, यस और नो? कि एटलीस्ट मैं आपको चार्ट दूं तो आप ये तो बता पाओगे कि यार स्टॉक में कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। यस क्लियर एवरीवन? ठीक है, मैं आपको एक एक्टिविटी भी दूंगा ठीक है, तो आपके लिए लाइक सो दैट यू कैन अप्लाई, बिकॉज इस वेबिनार का पर्पस यही है कि आप सीखो एंड अप्लाई करो राइट, एक्शनेबल कुछ चीजें कर पाओ ठीक है। तो अब तक हमने 2 दिन में जो भी सिखाया है वो हम वापस लाइक उस पर आपको एक एक्टिविटी दूंगा ठीक है। तो मैंने अभी जो बताया एक बार फटाक से समराइज करता हूँ, देन आगे मूव करते। तो मैंने ये बताया कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है क्लियर हो गया, डेफिनेशन हमको जाननी नहीं है सर, अब आगे बढ़ो ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि 3 पॉइंट बताए थे इंपॉर्टेंट, कि मोर टाइम इट इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस आर जोन एंड नॉट एग्जैक्ट पॉइंट्स, एंड अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है ये तीनों पॉइंट क्लियर है ओके, एग्जाम्पल से मैंने बताया ठीक है। अब मार्क कैसे करें चार्ट पे, आपको बेसिकली क्या करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो को ढूंढिए ठीक है। स्विंग हाई आपने ढूंढा, स्विंग लो आपने ढूंढा, उसको मार्क कीजिए चार्ट पे। बहुत सारे स्विंग होंगे सर, स्विंग क्या होता है, स्विंग मतलब ऐसा पॉइंट जहां से स्टॉक पलटा है राइट। डेली चार्ट ओपन करो, ये देखो ये लेवल एक पलटा है तो ये एक स्विंग बन गया, इसको मार्क किया, ये एक स्विंग बन गया यहाँ से स्टॉक पलटा था इसको मार्क किया, ये एक स्विंग बन गया, जहां जहां से स्टॉक पलटा है ऊपर में और नीचे में दोनों लेवल आपने मार्क किया, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है नॉट एग्जैक्ट पॉइंट ओके। ठीक है ओके, तो ये हो गया क्लियर ठीक है। एक लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं देन आगे बढ़ते।
एक रिलायंस का ले लो। ठीक है, सो देखो यहां पर अगर मैं हूं रिलायंस, सबसे पहले तो ये एक सेलिंग जोन था, यहां से पलटा था, यस और नो? उसके पहले यहां से नीचे में सपोर्ट में देखते हैं, ये एक है। अभी रीसेंट में क्या पलटा, ये लेवल से पलटा, यस और नो? तो वैसे सिग्निफिकेंट जोन स्टार्ट पर मार्क कर सकते हो, यहां से स्टॉक में एक टर्न आया है, राइट? उसे ही स्विंग कहते हैं। क्लियर? ओके एवरीवन, क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली आप देख लो कि स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस हो रहा है। अभी आप देखो रिलायंस में क्या हुआ था, ये जो लेवल था राइट, यहाँ पे पहली बार सेलिंग आया, दूसरी बार भी यहीं से सेलिंग आया। देखो यहाँ पे इस बार स्टॉक में ब्रेकआउट फेल होकर स्टॉक इसलिए तेजी से नीचे आया राइट, लेकिन अब तीसरी बार इसको ब्रेक किया है। अब क्या है, अब ये लेवल जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा कि नहीं, यस और नो? अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस, 20 मूविंग एवरेज के आसपास भी है राइट। तो अब ये जो पहले का रेजिस्टेंस था 1750 के आसपास, वो 2750 के आसपास, ये लेवल, ये अब सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। क्यों? अर्लियर रेजिस्टेंस विल एक्ट एज सपोर्ट। ओके ओके ठीक है। तो अगर आपको बेसिकली अभी सिंपल फंडा ये है कि अगर आपको कोई भी चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है, पिछले 6 महीने 1 साल में जो भी स्विंग हाई स्विंग लो है उसको मार्क कीजिए चार्ट पे। एंड तो उससे क्या होगा, बेसिकली ऐसे लेवल है जहां पे स्टॉक में बाइंग डिमांड या सेलिंग डिमांड आता है। आप अभी सिर्फ इतना समझिए, इसको इंट्राडे कैसे ट्रेड करना है वो तो बहुत आगे की बात है राइट। अभी सिर्फ इतना भी मार्क करना समझ जाएंगे, ओके ये लेवल स्टॉक में अच्छा सपोर्ट है, ये लेवल स्टॉक में अच्छा रेजिस्टेंस है, ओके ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली सी आज मैंने बहुत ही बेसिक रखा है, बिकॉज मेरा जो एजेंडा है कि ये टॉपिक्स अगर क्लियर हो गए, सिर्फ इतने भी जो मैंने यहाँ पे लिखे, उसके बाद वी कैन मूव टू एडवांस थिंग्स राइट, कि यार चीजों को डायरेक्टली अप्लाई करना सीख। बट ये बेसिक ही बहुत सारे लोगों के क्लियर नहीं होते। आई होप क्लियर है अभी, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो यार सपोर्ट जैसे बेसिकली स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना है डेली चार्ट पे, ठीक है, एंड जो भी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, ठीक है, थ्री की पॉइंट्स, वो याद रखना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी एक्सेल में अपडेट करके, ठीक है, ओके। नाउ अब आ जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना तो समझ गए, अब आगे क्या, सी कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब अगर आप सिर्फ गूगल पे कैंडल स्टिक पैटर्न की सर्च करोगे, तो आप अगर इमेजेस में जाओ, कितने पैटर्न है ये, वन कैंडल पैटर्न, टू कैंडल पैटर्न, थ्री कैंडल पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न राइट, बेरिश एनगल्फिंग, हैमर, ये वो राइट, बहुत सारे पैटर्न राइट। बट आपको ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं राइट, आपको सिंपल क्या चाहिए, सबसे पहले जो कैंडलस्टिक की मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं। एंड अगर आप इसको करते हो तो प्लीज ऑनेस्टली यस बोलना, ठीक है, आप ये चार्ट पे हो, आप ट्रेडिंग करने आए, आपने पैटर्न्स कैंडलस्टिक के थोड़े पड़े हुए, ठीक है, आप क्या करोगे, रेड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रेड कैंडल बनी है बेरिश मारुमोतो जैसी, यहाँ पर शॉर्ट करना है, ओके, आपने लाइक आप वैसे ट्रेड करते हो कि यहाँ पर रेड रेड कैंडलस्टिक बनी है यहाँ पर शॉर्ट करना है, यहाँ पर रेड बनी है यहाँ पर शॉर्ट करना है, यस और नो? ऐसे होता है कि नहीं होता है, ऑनेस्टली बोलिए, क्या आप इंडिविजुअली कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते हो? ओके कि आप इंडिविजुअल कैंडलस्टिक इंट्राडे पे भी सेम, कि 5 मिनट का चार्ट ओपन किया एंड हर चार्ट पे हर कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं कि ये रेड बन गई यहाँ पे शॉर्ट, और ये ग्रीन बन गई यहाँ पे बाय, ये रेड बन गई शॉर्ट राइट। डू यू डू इट?
यस होता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न में, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। आगे जाते हुए मैं एक पीपीटी भी बना के आऊंगा ताकि आपके लिए और इजी रहे। सबसे पहले तो कैंडलस्टिक में जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडलस्टिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैव सिग्निफिकेंस कहां पे आप बताओ। कैंडलस्टिक्स हैव सिग्निफिकेंस कहां पे, कैंडलस्टिक्स हैव सिग्निफिकेंस एट क्या आएगा, यस तो आप लोग समझ गए ऑलरेडी। कैंडलस्टिक्स हैव सिग्निफिकेंस एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस और नो, ठीक है। सी मार्केट की दो कहावत है, मैं लिख देता हूं, भाव भगवान छेद, और इंग्लिश में लोग बोलते हैं प्राइजेस हैव मेमोरी, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करेंगे हम, बट अब आपको एक चीज है कि कैंडलस्टिक्स हैव सिग्निफिकेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली, मतलब आप अगर रैंडम कैंडलस्टिक ट्रेड कर रहे हो एक एक कुछ भी, बहुत सारे लोग मैं इंट्राडे देखता हूँ कुछ भी रैंडम कैंडलस्टिक ट्रेड करते हैं, या एक एक चार्ट पे अगर समझो ट्रेड करते हो, समझो यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, काफी लोग बोलेंगे बेरिश ना भी यहाँ पे शॉर्ट, राइट, यस और नो। तो ये गलत है, आप ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, यस और नो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ पा रहे हो, तो अब तक आपने जो सीखा उसमें आपने क्या सीखा, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करना है समझ में आ गया। अब आ जाते हैं यार कैंडलस्टिक्स को यूज कैसे करना। सबसे पहले तो इतनी सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होती है आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैंडलस्टिक्स हैव सपोर्ट सिग्निफिकेंस एट स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्लियर, ओके। नाउ अब आ जाते हैं कि यार कैंडलस्टिक हैव सिग्निफिकेंस एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब उनको क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडलस्टिक, इसलिए मैं कॉम्प्लिकेट कर ही नहीं रहा हूं, उनको समझ नहीं है पैटर्न्स। ग्रीन कैंडलस्टिक एट कहां पे है, एंड रेजिस्टेंस की सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है। ग्रीन कैंडलस्टिक एट सपोर्ट चाहिए, एंड रेड कैंडलस्टिक एट रेजिस्टेंस, ओके, मतलब सिर्फ इतना ही चाहिए हमको कि ग्रीन कैंडलस्टिक सपोर्ट पे बने, रेड कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस पे। बट क्यों, सी लॉजिकली हर चीज लॉजिकली हो, क्यों ग्रीन कैंडलस्टिक क्यों चाहिए सपोर्ट पे, क्यों चाहिए ग्रीन कैंडलस्टिक सपोर्ट पे, ग्रीन कैंडलस्टिक क्या बता रहा है, ग्रीन कैंडलस्टिक क्या बता रहा है, बाइंग डिमांड है, एंड रेड कैंडलस्टिक क्या बता रहा है, सेलिंग प्रेशर, क्लियर। ठीक है सर, समझ आ रहा है, ओके ओके। तो अब वापस आ जाते हैं, कोई शार्ट पे ही आ जाते हैं अपने, ठीक है। अब सी अगर आप कैंडलस्टिक्स एक्चुअल में पढ़ोगे तो आई थिंक काफी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा, राइट, कि कैंडलस्टिक्स, इसलिए मैं कैंडलस्टिक्स बनती कैसे वो तो मैं समझा ही नहीं रहा हूँ, वो तो बहुत ही बेसिक हो जाए, पर अगर आप कैंडलस्टिक्स कभी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे पैटर्न्स है, ये पैटर्न, टू कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न, राइट, काफी पैटर्न्स है, राइट, ओके। अब अगर हम सिर्फ, मैं आपको एक निफ्टी के चार्ट पे आता हूं, कल किसने किसने इंडेक्स ट्रेड किया था, किसने किसने कल इंडेक्स ट्रेड किया था, निफ्टी या बैंक निफ्टी। अब देखो, ठीक है, सबसे पहले लोगों ने, इन्होंने क्या किया, इंट्राडे आ जाते पहले,
यहां पर मार्केट ने क्या किया, क्या किया यहां पर मार्केट ने, फ्रेश ऑल टाइम हाई, राइट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पर ऑल टाइम हाई किया, आप क्या करोगे, बुलिश। ऑब्वियसली बुलिश ट्रेंड में सब पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऑल टाइम हाई हिट करके, सी ये इंट्राडे कैसे यूज करते हैं ये तो हम आगे समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अभी कि इंट्राडे कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अभी मैं इसलिए इंट्राडे पे पढ़ी नहीं रहा, पहले हम एक बार बेसिक समझ लेंगे, आगे हम इंट्राडे भी समझेंगे कि इंट्राडे कैसे यूज करना है, क्या इंडिकेटर्स इंट्राडे यूज करने चाहिए, राइट। वो मुझे पता, लोगों को वो सीख। अब देखो यहां पर ये आके पूरा पलटा दिया, यस और नो, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, आप सोचो। मैंने यहां पे पॉइंट लिखा था, प्राइजेस हैव मेमोरी, यस और नो। तो पहला जो हाई बना था वो क्या बना था, 22124 के आसपास, कल का भी जो हाई बना वही बना, वहीं पे वापस सेलिंग जोन आ गया। तो पहले जिसने वहां पे सेल किया है उसने वापस वही जोन पे सेल किया है, तो इसको आप डेली चार्ट देखो, राइट। अगर डेली चार्ट में आपको बोलूं कि निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करो, तो आप भी निफ्टी की एक्टिविटी करते हैं, देन हम और एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। सर सबसे पहले तो ये एक सेलिंग जोन बन गया, कौन सा लेवल, 22124 के आसपास, यस और नो। एंड सी कल क्या हुआ, लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट पॉइंट बट जोन, कल का हाई क्या था, कल का हाई क्या था, 22126.8, राइट। एग्जैक्ट आप ये नहीं सोचते कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो पहले का हाई था वही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। इसलिए जोन नॉट एग्जैक्ट पॉइंट्स, ओके। ये क्लियर तो हो रहा है पॉइंट, वो बहुत से लोग इतने छोटे कॉन्सेप्ट में भी गलती करते हैं कि सर 22126 हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ऐसे नहीं, राइट, ओके। अब नीचे में सपोर्ट क्या आ रहा है निफ्टी में, ऐसा लेवल चाहिए जहां पे एक स्विंग बनाओ, ओके। ये एक है एंड ये एक है, बेसिकली 21,000 के आसपास, यस और नो, राइट, ठीक है। अब बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, देन वील मूव टू द आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी भी डिस्कस। यार सर निफ्टी तो ऑल टाइम हाई मार रहा है, बैंक निफ्टी तो किधर है, बैंक निफ्टी में कल क्या हुआ, 20 मूविंग एवरेज पे क्या बना है, क्या बना है, बेरिश कैंडलस्टिक, यस। एंड अगर आपने लास्ट टाइम सेशन अटेंड किया था, मैंने क्या कहा था आपको, याद है आपको, कि जब तक इस कैंडल के हाई या ये सेलिंग जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, बैंक निफ्टी बेरिश है। आप वीडियो देख सकते हो जाके, पिछले टाइम पर कहा था कि नहीं, राइट। आप पूरा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, आप देखना। मैंने आपको ये भी कहा था कि इंडेक्स को अवॉइड कीजिए, कहा था कि नहीं, यस मैंने कहा था कि इंडेक्स में ट्रेडिंग के लिए अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने लास्ट सेशन किया था तब हम यहां पर कुछ थे, तो हम सपोर्ट के ऊपर है, रेजिस्टेंस के नीचे कोई क्लियर चीजें नहीं है। मैंने एक और चीज कही थी, क्या कहा था, लेफ्ट साइड पे प्राइस एक्शन क्लीन होना चाहिए था, कहा था कि नहीं, यस। यहां पर लेफ्ट साइड पे प्राइस एक्शन क्लीन है ही नहीं ना, तो इसीलिए आपको क्लीन मूव्स नहीं मिलते। आप देखो ये लेफ्ट साइड पे लोग, अभी आप सोचो लॉजिकली, जो बंदे ने यहां पर, अभी आप लॉजिकली समझना वापस चीज को, ठीक है। ये एक स्विंग था बैंक निफ्टी का, यस और नो, अब चैट पे यस लिखते जाइए तो मैं फिर आगे बढ़ते जाऊँ। ये एक स्विंग था, लो था यार, ये स्विंग था सर, ये सपोर्ट है। अब आपको इतना तो पता है कि यार ये स्विंग है। दूसरी बार जब मैं ये मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनी, तो ये बेसिकली आपके लिए बाइंग डिमांड आ गई, यस और नो, राइट। सपोर्ट है ये लेवल, लेकिन क्या हुआ भाई, ये लेवल तोड़ दिया। अब तो आप फंस गए हो, आप फंस गए हो, आप क्या बन गए हो, आप क्या बन गए हो, फंस गए हो तो इन्वेस्टर, आप रुके हो रुके हो रुके हो, कल फाइनली आ गया भाई, निकलो निकलो निकलो, आप क्या करोगे,
निकलो भाई सब। और आपके जैसे बहुत सारे लोग फंसे हैं राइट, सब फंसे हुए, सब यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्लीन मूव्स नहीं मिल रहे और अभी भी नहीं मिलेंगे इंडेक्स में इस क्लस्टर से, बिकॉज आप देखो ना ऊपर में काफी सेलिंग हुई है यहाँ पे। ये जो अब जो सपोर्ट था वो क्या कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है? 47,000 जो सपोर्ट था पहले, अब क्या एक्ट कर रहा है? रेजिस्टेंस। चीजें क्लियर हो रही है जो आप डिस्कस किया राइट? चीजें सेंस कर मेक कर रही है कि क्या क्या डिस्कस किया? ओके सी ट्रेडिंग यही है राइट, मतलब लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। ये जो कैंडल आई थी एंड आप मेरे यूट्यूब वीडियोस और मैंने मार्केट के अलग कहा था कि जब तक सी लोग फंसे हुए राइट, इसके लिए मैं एचडीएफसी बैंक में भी बोल रहा था कि लाइक नहीं अभी टाइम लगेगा बॉटम में ट्रेडिंग के लिए, तो इसीलिए ये सेलिंग जोन आया। एंड अभी इंडेक्स स्पेशली बैंक निफ्टी चार्ट के हिसाब से बेरिश लग रहा है। क्यों कर? क्योंकि जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है 47 के ऊपर, तब तक चांसेस है थोड़ा सा डिफिकल्टी रही बैंक निफ्टी को। ओके क्लियर है? इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो मैं तो आपको कहूंगा कि शांति रखिए, बिकॉज इजी नहीं होगा ट्रेड करना। ओके जो आप वोलेटिलिटी देख रहे हो इजी नहीं होगा ट्रेड करना, ठीक है? इसलिए मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि अवॉइड कीजिए इंडेक्स को ट्रेड करना। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट भी समझ जाओ बेसिक बेसिक छोटे छोटे के, यार नहीं ये बेसिकली अब तक बाइंग मोड में ही नहीं है सेलिंग मोड में, तो ही आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन क्लीन चाहिए फॉर क्लीन ट्रेड्स। ओके ठीक है, अब भी आप आगे देखोगे, हम अगले हफ्ते भी आएंगे, आप देखोगे कि मार्केट टाइम पास ही कर रहा हो राइट। बट एक चीज है कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है एंड बैंक निफ्टी में भी अब जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आती है मार्केट, तब तक थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी। सी निफ्टी रिलायंस की वजह से अभी भी 20 के ऊपर है, बट ये जो कैंडल बनी है ये क्या बता रहा है कि प्राइस हायर लेवल से क्या हुई है? रिजेक्ट। मतलब मार्केट में कोई तो सेलर बैठा है कि इस जोन पे सेलिंग करने के लिए ही इज रेडी राइट। एंड कल स्ट्रॉन्ग कौन था इस लेवल पे? यहाँ ये लेवल पे कौन स्ट्रॉन्ग था? सेलर की बायर, सेलर अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता तो चांसेस है कि सेकंड हाफ पर रिकवर करके वापस ग्रीन बन जाता। ओके ठीक है, तो इंडेक्स में आपको अब संभल के ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में ऊपर में सेलिंग है नीचे में 21,000 पे बाइंग जोन, तो चांसेस है कि जब तक ये जोन, ये चांसेस है कि टाइम लगे पर जब भी ब्रेक होगा या तो 21,000 या तो 22,000, ठीक है? राउंड नंबर इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जब तक कोई ब्रेक होगा या नहीं होगा तब तक आपको क्लीन मूव नहीं मिलेगा। इसके लिए इंडेक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हैं आपको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है तो अवॉइड कीजिए लिटरली। आप उससे मतलब मजाक नहीं कर रहा, बट बहुत अगर आपको सही, बिकॉज मार्केट्स हैव बिकम ब्रूटल राइट एंड वो हमेशा से ही थे, तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा राइट। आप सोचोगे उसके पहले तो पलट गई, पहले तो क्या होगा आप बेरिश हो गए, आपको ऊपर में स्टॉप लॉस ले लेगा फिर नीचे में भी स्टॉप लॉस ले लेगा। ओके तो शार्प रिवर्सल रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा इंडेक्स से दूर रहिए। ओके एंड लास्ट टाइम का वीडियो आप वापस देख सकते हैं, मैंने ये पॉइंट पहले ही मैंशन किया। ओके ठीक है, अब कोई पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई लेफ्ट साइड नीड्स टू बी क्लीन मूव नॉट चॉपी? सी लेफ्ट साइड पे क्लीन मूव क्लीन क्यों होना चाहिए? मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया। लेफ्ट साइड पे क्लीन का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, तो कोई बायर सेलर यहाँ पे है ही नहीं ना। सी अगर ये लेवल पे कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है तो कोई भी फंसा हुआ ही नहीं है, तो समझो ना सेलिंग ऑर्डर आएगा ना बाइंग ऑर्डर आएगा बड़ा राइट। तो इसके लिए लेफ्ट साइड पर अगर प्राइस एक्शन क्लीन है तो आपको क्लीन मूव दिखता है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड पर प्राइस एक्शन क्लीन नहीं है समझो यहाँ पर, तो 47,000 के आसपास बहुत लोग फंसे हुए हैं जहां पे समझो किसी ने बाई किया होगा, किस बहुत लोगों ने बाई किया होगा, उनको एग्जिट मिल रही तो उनके सेलिंग ऑर्डर्स तो आएंगे राइट, यस और नो? या तो किसी ने यहाँ पे सेल भी किया होगा 47,000 पे, उसको लगा कि मार्केट 40,000 जाएगी, पलट गई पलट गई पलट गई राइट एंड वापस लाइक समझो ऊपर आ रही है राइट, समझो उसने सेल किया है राइट एंड चीजें अगर उसके अगेंस्ट जा रही है, यहाँ पर समझो किसी ने सेल भी किया होगा आपने बाई किया तो ऊपर जा रही है, जैसे ही चीज यहाँ पे आई वो एग्जिट करने की कोशिश करेगा राइट। इसके लिए जब तक लेफ्ट साइड के प्राइस एक्शन क्लीन नहीं होगा आपको क्लीन मूव्स नहीं मिलते, तो इसके लिए आपको वैसे ही स्टॉक्स ट्रेड करने हैं जो बेसिकली 52 वीक है ऑल टाइम है के आसपास है, तो क्लीन मूव्स नहीं। होप इट्स क्लियर, ठीक है? ठीक है, तो ये दो की पॉइंट मुझे बताने थे, ठीक है, कि
कि बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है चार्ट पे। मैं आपको एक्टिविटी दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, राइट। उसमें मैं एक्टिविटी डालूंगा क्या करना है आपको, बकायदा एक फॉर्म लाइक सबमिट करना है आपको, 2-3 स्टॉक के चार्ट दूंगा आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके देना है, राइट। एंड कैंडलस्टिक पैटर्न की चीजें याद रख लीजिए कि हैव सिग्निफिकेंस एट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके। ग्रीन कैंडलस्टिक ये सपोर्ट पे, रेड कैंडलस्टिक ये रेजिस्टेंस पे, क्यों मैंने वो एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे प्राइस एक्शन क्लीन हो गया, लास्ट टाइम भी बताया था, लेफ्ट साइड का प्राइस एक्शन क्लीन होना चाहिए तो ही क्लीन मूव आएगा। इसलिए मैं आपको कहता भी हूँ कि स्टॉक जो 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करोगे तो बेटर ट्रेड मिलती है। यस ओके ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये कॉन्सेप्ट, इससे मैं आज हमने कैंडलस्टिक भी कवर कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कवर कर लिया। बेसिक है बट बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज इसी में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टाइम पोजिशन साइजिंग और ये कवर करेंगे, तो हमने बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट सेशन से वी मूव टू एडवांस थिंग्स, राइट। एडवांस मतलब जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ प्रैक्टिकली, इंट्राडे इनसाइट्स की, इंट्राडे क्या यूज करना है, इंट्राडे ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ओके ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ क्यू एन ए, देखता हूँ पहली बात तो कितने क्वेश्चन है, राइट। आई ट्राई कितना हो सके उतना आइडेंटिफाई आंसर कर पाऊँ, ठीक है। 33 के आसपास कुछ है, ठीक है, मैं एक बार फटाफट आइडेंटिफाई करता हूँ आंसर करने से पहले। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, अगर हेल्पफुल है तो एक चैट में एचपी लिख दीजिए तो मुझे पता चले कि ऑडियंस कैसी आ रही है, राइट। बहुत सारे लोग जो एडवांस हैं उनको लग रहा होगा यार सर ये क्यों बता रहे हो, राइट। बट अगर आपने ये किया भी होगा तो भी आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ नया सीखने मिला है, राइट। एंड सी आई कैन अश्योर यू, अगर आप 1 महीना 2 महीना रेगुलरली हर सैटरडे आए, आफ्टर अ पॉइंट यू विल हैव लॉट ऑफ इनसाइट। सी बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट एवरी डे ट्रेड किया, एंड मैं आपको ये सब अगर आप चार्ट देखोगे आप बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या मार्केट में। सी ये सब मैंने इसके लिए ये सेव करके रखे बिकॉज ताकि मार्केट को मैं कभी लाइटली ना लूं, एंड जो कल इंडेक्स में हुआ ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ। ये देखो मार्केट निफ्टी ने, आप देखो एक ही कैंडल में ये 1 रुपए का पुट 15 गया, पर उसी कैंडल में राइट वो पुट का चार्ट दिखाया, एंड उसी कैंडल में कॉल का भी चार्ट दिखा, राइट। मतलब एक ही कैंडल में पुट भी बढ़ के टूट गया, कॉल भी बढ़ के टूट गया। ये मैंने नोट करके रखता हूँ बिकॉज मैं एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, राइट। तो मेरा पर्पस ये है कि जो जो लर्निंग्स है वो डिस्कस कर पाए, बिकॉज सी जो कॉन्सेप्ट तो आपको बता दूंगा पर जो मेजर लर्निंग्स है वो इनसे ही आएगी, राइट ओके। ये एग्जाम्पल जैसा कल हुआ ना वैसा सेम पहले भी हुआ था, कि पहले तो ये आप देखो 15 रुपए के कॉल को 125 कर दिया, सबके स्टॉप लॉस हिट, फिर पूरी पलटा दिया उसको 0 कर दिया, देन क्या किया उन्होंने, देन आप देखो 16 नवंबर की बात है, पहले क्या किया 16 नवंबर को कॉल को पूरा ऊपर कर दिया, फिर उसके बाद आपको पुट का चार्ट दिखा, ये पुट का चार्ट है। पहले तो कॉल को किया 10 का 100 रुपए, देन पुट को देखो क्या किया लास्ट के आधे घंटे में, ये पुट था 1-2 रुपए में, क्या कर दिया 100 रुपए। कैन यू सी, सो ये जब तक आप नोट नहीं करोगे लर्निंग्स, एंड जब तक आप इम्प्रोवाइज नहीं करोगे, वन डे यू विल गेट स्टक इन दिस मूव, एंड अगर आपने प्रॉपरली पहले से प्लान नहीं करके रखा है आप फंस जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ एक सेशन सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, थियरीज नहीं, कोई थियरी की बात ही नहीं करनी है, प्रैक्टिकल इंडियन मार्केट्स के एग्जाम्पल लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड उससे आप कैसे बच सकते, ओके। सी ट्रेडिंग में आपको दो चीजें चाहिए, राइट। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एकदम प्रो नहीं बनना है कि भाई ये लेवल हो गया है, ये मार्केट प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ, वो यूज कर रहा हूँ, नहीं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। एंड उसके साथ दूसरी चीज चाहिए रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, बस ये दो चीज पे काम करना है ऑटोमेटिकली ट्रेड एज अ ट्रेडर यू लिंक, ओके क्लियर। ओके ठीक है, आज का दिन क्विकली समराइज कर लें।
ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले थे, ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोले थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आर जोन्स नॉट एग्जैक्ट पॉइंट, ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस मोर टाइम इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स, ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट ये बोला था कि अर्लियर सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस, ठीक है, देन कैंडल स्टिक्स ने बोला कि यार कैंडल स्टिक्स की सिग्निफिकेंस होती है एट स्पेसिफिक लोकेशन, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैं एक्टिविटी दूंगा, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं अगर व्हाट्सएप चैनल पे है, मेरा व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हैं, उसमें मैं एक्टिविटी दूंगा, बिकॉज वहाँ पे कम्युनिकेशन ईजी रहता है, ईमेल आई नो बहुत सारे लोग ओपन ही नहीं करते, ओके, तो ठीक है, उसमें हम बेसिक कैसे आपको मैं दो तीन एग्जाम्पल दूंगा जो आपको मार्क करके देना है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करके, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कैंडल स्टिक्स के हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन कैंडल स्टिक सपोर्ट पे बननी चाहिए, रेड कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस पे, तो रैंडम कैंडल स्टिक को ट्रेड मत कीजिए, इनका सिग्निफिकेंस है सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्कस किया था, लेफ्ट साइड प्राइस एक्शन क्लीन होना चाहिए, ठीक है, इंडेक्स में एक चीज बोल रहा हूँ कि अभी शांति से ट्रेड कीजिए, काफी डिफिकल्ट रहेगा, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो दूर ही रहिए, ठीक है, तो तीन चीजें डिस्कस हो गई थी, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, कैंडल स्टिक, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसी पे बिल्ड करेंगे एंड और एडवांस चीजों पे जाएंगे, क्लियर, ठीक है, हाँ मैं एक सेकंड लिंक डाल देता हूँ और व्हाट्सएप इस पे, एक सेकंड मुझे देना, मैं सिर्फ व्हाट्सएप की लिंक डाल देता हूँ, जो नहीं है आप ज्वाइन कर लेना, एक सेकंड, ओके मैं ठीक है, मैंने लिंक चैट पे डाली है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मैंने डाल दिया है, ठीक है, ओके, तो अब मैं आपके क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यस यस मैं क्वेश्चन ही दे, ठीक है, इसके अलावा सब ओके, ठीक है, आप लेते हैं तब क्या क्या चीजें देखते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल थी, इसको और करेंगे सीपीआर नेक्स्ट टाइम, इंट्रा डे विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, इंट्रा डे हम धीरे धीरे आएंगे, सी इंट्रा डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, पहले ही इंट्रा डे में आओगे तो बाकी सब ये ठीक है, ठीक है, अभी इनमें कैसे हम खुद को रोके, स्टॉक्स बेचने को लेकर हमें थोड़ा प्रॉफिट मिलता है सर, बहुत प्रॉफिट टारगेट के बारे में को डिस्कस करें, ठीक, ये हमने कहा था राइट लास्ट की ट्रेंड को राइड करना है, कॉन्ट्रा मत सोचिए राइट, ये जैसा क्या ना आप ऑलवेज अफ्रेड की पलट जाएगा राइट, आपको कॉन्ट्रा नहीं सोचना राइट, इसके मेथड्स हमने एंट्री एग्जिट पर डिस्कस करेंगे, हाउ टू कीप सेंटिमेंट्स, नो सेंटिमेंट्स ऑफ मार्केट, सी सेंटिमेंट आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको प्राइस फॉलो करना है, प्राइस इज द लीडिंग इंडिकेटर राइट, मैं एफ आई डी आई डेटा ये सब कुछ नहीं दिखता, प्राइस इज द लीडिंग इंडिकेटर, भाव भगवान से प्राइस, प्राइस जो है वो, बिकॉज आप एक चीज अगर आप सुनो देखोगे कि सबसे पॉजिटिव न्यूज कब आती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव न्यूज कब आती है, मार्केट टॉप पे, एंड सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज आएगी मार्केट बॉटम पे, ओके, तो आप कोविड जब था राइट, कोविड का जब क्रैश हुआ इंडेक्स में लोअर सर्किट लगा था, ओके, जब कोविड का क्रैश था इंडेक्स में लोअर सर्किट लगा था राइट, ठीक है, वो लोअर सर्किट जब लगा था तब हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड केसेस, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, उसके बाद क्या हुआ था,
मैं इसको वीकली कर दूँ। ये जो जो लेवल है ना, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस देखो बढ़ गए, लेकिन प्राइस देखो 7,000 से अच्छा भाग गई, राइट। तो बेसिकली प्राइस विल टेल यू क्या है ट्रेंड, राइट। इसलिए आप देखोगे कि जो मार्केट के बॉटम बनते हैं वो एक्सट्रीम बैड न्यूज पे बनते। इस दिन पे इंडेक्स में लोएस्ट लोअर सर्किट लगा था 23 मार्च को, 24 मार्च एग्जैक्ट आई थिंक, एक दिन का अंतर होगा। लोअर सर्किट लगा था एंड उसी दिन उसके आसपास मार्केट का बॉटम बन गया। मैक्सिमम जब एकदम सबसे ज्यादा डर था एंड मार्केट का जो टॉप बनता है सबसे ज्यादा यूफोरिया में बनता है कि सब बोल रहे बाय 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 बाय, राइट। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा तब आपको डरना है, जब आपको आपका बोलते हैं कि जब आपको आपका बाल काटने वाला स्टॉक टिप्स दे रहा है तब आपको सबसे ज्यादा डरना है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। डियर ऑफ ट्रेडिंग ड्यू टू हैवी लॉस, डर है क्या कि डियर है? जो भी है, लाइक सी, बहुत सारे लोगों को लॉस वॉस होगा, पर आपने वो लॉस क्यों है? बिकॉज सी, लॉसेस 3 4 गलतियों से ही होता है। किसी ट्रेन में बड़ा रुक गए, स्टॉप लॉस नहीं रखा, रिस्क मैनेज नहीं किया, वो सब धीरे धीरे आप करोगे तो यू विल इम्प्रूव। तो अभी जैसा कि हमने आज थोड़े बेसिक समझे, आगे जाके रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे, फिर इमोशनल डिसिप्लिन, फिर ट्रेड जर्नल कैसे मेंटेन करना है। धीरे 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 यू विल कीप गेटिंग वैल्यू एंड यू हैव टू इम्प्रूव। वापस कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सेशन में आ रहे हो प्रॉफिटेबल हो जाओ, जब तक एफर्ट्स नहीं डालोगे खुद से जर्नल मेंटेन करने का। बिकॉज आप सोचो, आप किससे कम्पीट कर रहे हो? आप ऐसे लोगों से कम्पीट कर रहे हो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एंड ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं कुछ भी करूंगा ट्रेड मेरा पैसा बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन टू मेक ईजी मनी, राइट। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको डिमोटिवेट करना है, बट दिस इज द रियल ट्रूथ। ओके, इसलिए लाइक फुल टाइम ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो इट हैज टू बी वेरी वेल थॉट। ऐसा नहीं कि भाई एक स्ट्रैटेजी कुछ सीख ली, फटाफट आ गए, ये कर लिया। मैं आपको सच बात कहूंगा, भले कड़वी लगे, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। लाइक मेरा तो पर्पस है, मैं जो जो मुझे आता है मैं करूंगा। इंडियन आपके ऊपर, आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, कैसे, एंड एफर्ट्स डालना है, खुद से एफर्ट्स डालना, राइट। सी, आज मैंने 10 चीज डिस्कस की, 10 में से आप एक चीज तो कुछ वैल्यू ले सकते हो, नेक्स्ट टाइम उस पर एक्ट करोगे, ठीक है। कोई बोल रहा है कि यार स्टॉक्स स्टॉक्स का डिस्कशन प्लीज अवॉइड करते हैं, बिकॉज लाइक मुझे स्टॉक्स का डिस्कशन आई वुड अवॉइड, बट मैं आपको जो एग्जाम्पल, आप इसमें एटलीस्ट खुद के स्विंग आई स्विंग लो मार्क कीजिए 3 इसमें, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग करके प्रॉफिट हो पाएगा? यस, बिल्कुल हो पाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग धीरे धीरे आएंगे, पहले हम एटलीस्ट टेक्निकल का, जो मेरा रोड मैप है कि पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊं, फिर हम रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे जाए, देन इंट्राडे पे जाए, एंड देन ऑप्शंस में लास्ट में जाए। ओके, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, जो हमने थोड़े बेसिक मेथड्स के वो यूज के कर आप कर सकते हो, राइट। ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, स्टॉप लॉस सपोर्ट के आसपास कोई कैंडलस्टिक बन रही है, राइट। वो सब स्विंग्स के आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसा मैंने डिस्कस किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, कोई स्विंग पे ग्रीन कैंडल बन रही है, बाई कर। ओके सर, हाउ टू फाइंड टारगेट वेल बाइंग ऑन इंट्राडे बेसिस, जी सबसे गलत कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में टारगेट, राइट। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग फ्री हो तो वीडियो दिखाऊं, लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है जो मैंने मार्केट्स पे देखा है, ठीक है। ये वीडियो राकेश झुंझुनवाला जी का है, आई थिंक आप लोगों ने देखा है, नहीं मुझे नहीं पता, बट ये वीडियो भी अगर आप देख लो सही से तो आई थिंक मोस्ट ऑफ जो आपकी ट्रेडिंग गलती है वही आप खराब हो जाएंगे। राकेश झुंझुनवाला जितने अच्छे इन्वेस्टर्स है उससे बेटर ही वॉज अ ट्रेडर, राइट। सो अगर आप सिर्फ इतना भी समझ लो, राइट, मैं आपको सुनाता हूँ। एक मिनट से देखिए, एक से मैं वही वीडियो ही ढूंढ रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब मैं लाइक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज ये ट्रेंड फॉलोइंग पे। अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे आप तो
आपके काफी कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएंगे। किसी ने कुछ टारगेट का पूछा है इसलिए मैं सोचा कि ये जरूरी है बताना। ठीक है, नेक्स्ट मैं प्ले कर रहा हूँ। स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? ठीक, अब इस वीडियो को सुनिए। Ring of the old Bombay Stock Exchange in 20 years since then. There's one maxim that stands. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? तुम्हें कंटिन्यू करो। ओके, या सुनिए। Out about you that you've said it in innumerous parties, bars, in the ring, and I'll say it in colloquial and then translate it in English. It says "vadhare vadhare levano, ghatare ghatare bechvano." That means buy as the market is rising, sell as the market is falling. What is the wisdom in that, and how do you use it? See, Ramesh, 20, I don't think for a good trader, I think we don't initiate more than 40% of trades which are right. Right, suppose I'm bullish, say, on XYZ stock. Now I buy that stock. If it goes up, it's an indication of the fact that I'm right. And, you know, we do what I call is pyramiding. I buy stock at 100, I buy more at 105, I buy more at 110. So what are markets, what is trading? It's basically momentum. So you play momentum. So if the market is rising, vadare vadare, its momentum is upwards. So you buy on the rise. If markets are going down, you sell on the sell on the fall. And this I don't mind. I don't indicate in long-term trends and medium-term trends and short-term trends. This applies to short-term trends, medium-term trends, and long-term trends. So you should never average a losing trading position. Well, at your own cost. Never. At least I never do it. That's a huge mistake, isn't it? Unless or until. You know, we believe suppose I buy a stock at 90 and I feel highest position outstanding at the highest price. Absolutely. Should have this highest position outstanding at the highest price. Absolutely. Why not? Who knows what is the highest price? It's counterintuitive though, isn't it? I mean, most people make profits. That's why out of 1 million traders, only 90 or 100 really make money. What will you look for? I will look for, first of all, look for broad direction. Don't try to be an expert. Don't try to predict every move, every hour, every day, right? Take a loss. Know what to stake, right? I think this is, I think I mean, I feel confident to trade anywhere in the world. All what you need to have is a broad direction of the trend, right? A very broad idea. Don't try to be an expert in it, right? Know what to stake and when to take a loss. That is, most people can't hold on to trading profits, right? Isn't that the big problem? Well, it's a problem, but who knows, you know, I don't know, I watch on this TV, targets, what are targets, who can predict anything? See, when I buy a stock, there comes a level at which I also feel that the price is unreasonable. But at that moment, I'm alert. That unreasonableness has to be combined with technical, you know, technical weakness. Then हेलो, सुना आपने वीडियो? यस, तो सी राकेश जी ने क्या कहा कि डोंट ट्राई टू बी एन एक्सपर्ट, ओके, डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट एवरी मूव एवरी मिनट एवरी आवर। ठीक है, सबसे पहले तो ये लर्निंग कि एक्सपर्ट मत बनो कि हर मूव को प्रिडिक्ट करना है। अरे ऊपर जाएगा, यहां से पलटेगी, बहुत सारे लोग करते हैं इंट्राडे, यहां से पलटेगी, यहां से रिवर्स होगी, ये होगा वो होगा, राइट? नहीं, एक ब्रॉड ट्रेंड पकड़िए। उसने कहा आई एम कॉन्फिडेंट टू ट्रेड एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑल यू नीड इज ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। यस, सिर्फ आपको ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड चाहिए। यस, तो इसलिए देखो कि मेरे जो कॉन्सेप्ट भी मैं बेसिक रखता हूँ, राइट? तो मैं राकेश जी के ऑफिस भी गया हुआ हूँ, राइट? मैंने इसको बताता हूँ, लाइक मैं इनके ऑफिस भी गया था, ओके? सो बिकॉज मैं आई वॉज अ बिग फैन, तो मैं लाइक इनके ऑफिस जाके आया हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसे ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड चाहिए,
ओके, डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट। और उन्होंने एक चीज क्या कही, बहुत से लोग बोलते हैं टारगेट्स, उसने कहा टारगेट क्या होता है, टारगेट का मतलब क्या हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो कि भाई 100 रुपए का स्टॉक बाय कर रहा हूं, कहां पे निकलूंगा 150। तूने क्या एक अच्छी चीज कही कि कितनी बार मुझे भी लगता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट वो वीक जो, अगर वो बहुत बढ़ गया है तो अगर वीकनेस है तो टेक्निकली भी दिखनी चाहिए। अगर आप देखो इस साल पीएसयू स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक डबल ट्रिपल हुआ है, राइट? आप सोचोगे 100 का जो चीज में 200 में निकल जाऊंगा, पर ट्रेंड तो चेंज ही नहीं हुआ, 200 की चीज 400 हो गई है, राइट? तो समटाइम्स उन्होंने कहा कि ऐसा बार मुझे भी लगता है कि चीज प्राइजेस बहुत ही एकदम अलग ही है, अनरीजनेबल है, बट क्या कहा, दैट थिंग हैज टू बी कंबाइंड विद टेक्निकल वीकनेस, यस और नो, राइट? यस और नो? क्लियर? सी, काफी छोटा सिंपल वीडियो है बट काफी वैल्यूएबल है, राइट? ठीक है, तो टारगेट, कुछ टारगेट जैसा कुछ होता नहीं है, आपको ट्रेंड को राइड करना है, राइट? इसलिए हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सोचो मैं कभी टारगेट रखता ही नहीं, मैं सिर्फ ट्रेंड को राइड कर, राइट? कोई कोई प्रिडिक्ट कर सकता था क्या जब यहाँ पे मार्केट थी नीचे में, राइट? जब मार्केट ऊपर जाती है आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से पलटेगी, वहां से पलटेगी। चार्ट तो यहाँ पे देखते हैं, निफ्टी का चार्ट, जब निफ्टी यहाँ पे 7,500, 8,000, 7,500 ऊपर में क्या लगा था भाई, 10,000 जाएगा, 11,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, किधर आ गया अभी 21,000। कोई ये प्रिडिक्ट कर सकता था? नहीं, राइट? उसी को लगे यहाँ से पलटेगी, कोई बोलेगा यहाँ से पलटेगी, यहाँ से पलटेगी, नहीं। आप देखोगे कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, राइट? आपको ट्रेंड के साथ रहना है, एंड एवरी बुल मार्केट, राइट, लाइक जो भी बुल मार्केट आता है तो प्राइजेस एकदम ऐसे लगेगी कि यार ये तो पागल जैसा मैड है, एकदम ऐसे पागल जैसे भाग रही है, बट वो और भी भागते रहती है। आपको अलर्ट रहना है, जैसा यू नो टेक्निकल वीकनेस आनी चाहिए, अलर्ट रहना है, बट जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, आपको बोलते हैं ना, मैं बोल लाइक मैंने आपको लाइक 2-3 YouTube वीडियो कहा कि बी विद द ट्रेंड बट बी नियर द एग्जिट डोर, कि भाई कुछ गड़बड़ हो तो ठीक है, भाग पाए पटाख से, क्लियर? ओके, व्हाट्स योर व्यू ऑन योर कंसर्न ऑन रिसेशन? सी, इसमें लोग कहते हैं मोर मनी हैज बीन लॉस्ट इन प्रिडिक्टिंग रिसेशन देन इन द रिसेशन। आप देखोगे हर साल, आपको एक रिसेशन का प्रिडिक्शन आएगा हर साल, पर रिसेशन कितनी आता कभी है, 5-10 साल में एक बार। तो मोर मनी हैज बीन लॉस्ट इन प्रिडिक्टिंग द रिसेशन देन इन द एक्चुअल रिसेशन, मतलब प्रिडिक्ट करते करते वही स्टॉक 10 की 100 हो गई है, ना प्रिडिक्ट ही करते जा रहे हो, जब 100 पर रिसेशन आएगा तो 100 का 50 होगा, तो प्रिडिक्शन में ज्यादा पैसा लोग लॉस करते रहते हैं एक्चुअल रिसेशन। समझ आ रहा है? यस, ठीक है, देन हाउ वी कैन नो दैट आई डन विद द प्रॉफिट, हाउ टू एग्जिट? जैसा कि मैंने कहा, ट्रेंड राइड करना है, राइट? सी, जब मार्केट आपको देने के लिए बैठा है तो आपको लिमिट क्यों रखनी है, राइट? आपको लाइक भी डिस्कस करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड करके, घूमता क्या इतनी रिस्क ले रहा हूँ, आपके हाथ में आपका रिस्क है, रिवॉर्ड आपके हाथ में नहीं है, ये अगर आप समझ लो तो बेसिकली रिस्क है रिवॉर्ड है। हम एग्जिट में डिस्कस करेंगे कि रिस्क आपने कितनी लेनी है आपको पता है, ठीक है, रिवॉर्ड कैसे, बेसिकली आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है कि रिस्क रिड्यूस कर ली चीजें फेवर में जब जा रही है, एंड देन राइड कर, इसको विल डिस्कस। ओके, हाउ डू आई बिकम सक्सेसफुल, हाउ मेनी इयर्स फॉर इट, इट्स 6 मंथ टेक्निकल कोर्स इनफ फॉर इट? सी, इन दी एंड कोई भी कोर्स या कुछ भी, इट विल गिव यू अ पाथ, राइट? सक्सेस विल कम डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एफर्ट्स यू गिव, राइट? डेफिनेटली पाथ आपको मिलेगा। सपोज अभी आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर, आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक बेसिकली जो आपका टीचर है वो आपको एक गाइड कर लेता है, तो आपका जो लर्निंग कर्व छोटा हो जाता है कि यार समझो मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, टीचर को मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपका लर्निंग कर्व छोटा हो गया, बट इन दी एंड मेहनत तो आपको करनी है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप सोचो IIT के लिए इतने लोग बैठते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इतने लोग बैठते हैं, बट सिलेक्ट कुछ ही होते हैं जो एफर्ट्स डालते हैं। इन दी एंड कोर्सेज आप कितने भी कर लो, एफर्ट्स आपको डालने ही पड़ेंगे, राइट? यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स एंड देन ओनली यू विल गेट गुड रिजल्ट।
कैन यू टेल मी सीएमटी पोस्ट? सी सीएमटी इज गुड फॉर क्रेडिबिलिटी, ये नहीं श्योरिटी या प्रॉफिटेबल हो, बट क्रेडिबिलिटी के लिए सीएमटी सीएफए काफी अच्छा है. सी मैं आई एम अ सीएफए चार्टर होल्डर, एंड सीएफए की वजह से मतलब आई गेट टू इंटरेक्ट विद गुड पीपल. मैंने सीएफए की जो ग्लोबल डायरेक्टर है न्यूयॉर्क में, उनके साथ पॉडकास्ट किया हुआ है. सीएफए की वजह से मुझे लाइक काफी जगह बोला. अभी मैं 8 को हैदराबाद जा रहा हूँ, तो अगर आप हैदराबाद में हो तो आई एम प्लानिंग एक मीटअप शायद से रखूँ, तो मिल सकते हैं. तो वैसे लोगों को मिलना हो जाएगा सीएफए की क्रेडिबिलिटी से. आईआईटी में मुझे लोग बुलाते वो बिकॉज सीएफए की वजह से. तो डिग्री से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बट ट्रेडिंग के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए. विच वन इज बेटर ऑप्शन, बायर सेलर फॉर समवन हु कैन नॉट सिट कंटिन्यूसली स्क्रीन डे? सी या बायर या सेलर, ऐसा कुछ भी नहीं है कौन सी अच्छी चीज है. ओके अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. आप लोग टाइम है? ठीक है. अब एक मार्केट आपको बताऊं कैसे क्या क्या चीजें करते हैं. ठीक है, कोई पूछ रहा बायर बनना है कि सेलर बनना है. ठीक है चलो देखते हैं. ठीक है, ये चार्ट है इंडेक्स का. ठीक है, ये था, ये डे नंबर वन है, ये डे नंबर टू है, ये डे नंबर थ्री है. ठीक है क्लियर. अब आप देखो, ठीक है अब आप देखो, कोई पूछा सेल वाला स्क्रीनर है, सेल वाला हम कवर ही नहीं करें उसको एकदम बाद में, वो सेल पे हमें जाना ही नहीं है. सेलिंग इज अ वेरी, आपको जितना बिकॉज बेयर मार्केट बहुत कम आता है, तो आप सेल वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करिए. तो अभी आप देखो, ये इस दिन पे मार्केट ने क्या किया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 45,000 से 46,000. यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन था 10 रुपए का, यहाँ पे ऊपर में हो गया 330. ठीक है, तो इस दिन पे आपको क्या लगा कि यार मैं ट्रेंड फॉलोअर बनूंगा, ट्रेंड को राइड करूंगा? यस और नो? यस और नो? ठीक है कि यार ये ट्रेंडिंग डे था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी. ठीक है, सेकेंड डे आ गया बजट वाला, तब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ा मूव आएगा बड़ा मूव आएगा. क्या हुआ, मार्केट एकदम साइडवेज रह गया, एंड दोनों पुट कॉल दोनों टूट गए, आधे हो गए दोनों. यस और नो? Yes or no? यहाँ पे जिसको लगा मैं ऑप्शन बायर बनूंगा, यहाँ पे सोच रहा था यार ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग भी अच्छी है. Yes or no? यहाँ पे पहले दिन आप सोच रहे थे कि यार बायर बनना है, दूसरे दिन आप सोच रहे हो कि नहीं यार सेलर भी अच्छा है, तीसरे दिन क्या हुआ कि भाई मार्केट में ट्रेंड अच्छी है, ट्रेंड के साथ आऊंगा. यहाँ पे आपने बाई किया, प्रॉफिट आया, क्या हुआ, जो पूरा सब उड़ गया, रिवर्सल. तो देखो 3 दिन में मार्केट ने सब कुछ कर लिया, ट्रेंड वालों को पैसा दिया, बाकी दो को नुकसान दिया, यहाँ पे ऑप्शन सेलर को पैसा दिया, बाकी दो को नुकसान दिया, यहाँ पे जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं उनको पैसा दिया, जो ट्रेंड और साइडवेज ट्रेड करते हैं उनको नुकसान. तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी अच्छी है बुरी, आपको जो भी करना है कंसिस्टेंटली करना है, राइट? आगे जाते हो हम लाइक विल डिस्कस ऑन दिस. तो इसका एक सिंपल आंसर नहीं है कि बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन बाइंग में आपका स्किल सेट और ज्यादा चाहिए कंपेयर टू सेलिंग. बिकॉज बाइंग में टाइम आपके अगेंस्ट है, तो आपको एंट्री राइट चाहिए, एग्जिट राइट चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए बाइंग ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू सेलिंग. ओके राइट? बात है, हाउ टू टेक ट्रेड्स, ये हम कंफ्यूज है. ऑल स्टॉक्स आर फिल्टर आइस ऑलरेडी वेंट फ्रॉम 20 SMA. इसको हम लाइक ट्रेड कैसे लेना हम डिस्कस नहीं किया, इसका डिस्प्लेट डेटा. हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, इंट्राडे बाद में. हाउ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यूज फुल फॉर ट्रेडर इट्स, समझा नहीं मतलब. कैंडल्स बना ऑलमोस्ट फेल, दे डोंट गिव 1 2, सो हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट वन? मैंने कहा आप राइट अब रैंडम ट्रेड कर रहे हो, इसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है. ठीक, आई सोल्ड दिस पुट विदाउट लॉजिकल स्टॉप लॉस, व्हाट शुड बी द लॉजिकल स्टॉप लॉस? ठीक है, इंट्राडे में कैसे स्टॉप लॉस करना है आपको बताऊंगा, बट इंट्राडे में दो इंडिकेटर हम डिस्कस करेंगे आगे जाते हुए, उसके बेसिस पे कीप अ स्टॉप लॉस. ओके, इंट्राडे के लिए हैदराबाद में आई थिंक हाईटेक सिटी के आसपास कोई तो होटल है वहां पे आ. ठीक है सर, स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल देखिए कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए. ठीक है, तो इस पे ना यूट्यूब पे एक वीडियो ये भी आएगी, स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए, उसमें मैं पूरा कवर कर रहा हूँ स्टॉप लॉस इंट्राडे भी कैसे रखना है, क्या क्या रखना है. तो आई होप आपके आंसर्स क्लियर होंगे. विच थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू टेक अ ट्रेड, जैसे मैंने कहा ट्रेंड क्या है, ठीक
ठीक है, आप बाई का कर रहे हो और एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको एंट्री दे रहा है, ओके। और कितने हैं, विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, हाउ टू पॉकेट थीटा डी कैन, ऑप्शन ऑप्शन से हम डिस्कस करेंगे, बट उसके कॉन्सेप्ट होते हैं कैसे करना है, क्या करना है, ऑप्शन बेच के मैनेज करना है। मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस यूट्यूब पे किए हुए, आप सर्च कर सकते हो, ओके। इफ आई सेल सिंगल वेंट टू, सेम चीज सेम चीज, मैंने ऑलरेडी इस पे यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ एकदम डिटेल, 1.5 घंटे का वीडियो है। स्टॉप लॉस के ऊपर मैं बताऊंगा कैसे करना है, शुड बी यूज ऑन विच टाइम पे, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करोगे उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट। सो आई वुड से एटलीस्ट डेली पर बनाओ, राइट, एटलीस्ट डेली। ठीक है, आप दिल्ली रहते हो, नहीं मुंबई रहता हूँ। निफ्टी 25,000 आएगा 10, अभी मैंने कहा कि टारगेट, किसी को कुछ नहीं पता, राइट, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई लेफ्ट साइड नीड टू बी क्लीन, हमने ऑलरेडी कर दिया। व्हाई इंडेक्स हैव सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट इंडेक्स शुड इंडिविजुअल ड्रॉप और इंडेक्स इज कॉम्बिनेशन। सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली प्राइस लेवल्स, राइट, तो इंडेक्स पे जो प्राइस लेवल्स बनते हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक से ही बनते हैं, राइट, इसके वजह से वही चीजें इंडेक्स में रिपीट होगी। एचडीएफसी बैंक गिरा इसलिए बैंक निफ्टी गिरा है। अहेड मैं, हाउ डिड यू मैनेज टुमारोज वोलेटिलिटी, तो मैं सेंसेक्स और मिड कैप ट्रेड नहीं करता, इनफैक्ट वो एक्टिवेटेड ही नहीं है सेंसेक्स। तो आपको सिर्फ मेच्योर इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करने हैं, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड थर्ड फिन निफ्टी, यही तीनों आप कर सकते हो। फिन निफ्टी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, बट एंड आपको रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी ट्रेड करनी है, राइट, रिस्क डिफाइंड। सी ऑप्शंस तो बहुत ही, लाइक बोलते हैं ना, महासागर है, हम धीरे धीरे उस पर आएंगे, राइट, क्यों, मैंने लाइक ऑप्शन बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेड किया, मैंने सब कुछ देखा हुआ, लाइक लोअर सर्किट, अपर सर्किट, इंट्राडे 10% मूव, राइट, फ्लैश क्रैश, ओके। ठीक है, तो रिस्क डिफाइंड इज द थिंग, ओके। ठीक है, हैदराबाद में 8th को आ रहा हूँ, मैं अपडेट करूंगा, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं अपडेट करूंगा कब कैसे मिलना है। ठीक है, मतलब मैं अगर वो ये लाइक मैं एक्चुअली CFA इंस्टीट्यूट का एक सेशन ले रहा हूँ, अगर टाइम रहा तो पक्का मिलेंगे। हाउ टू एग्जिट ट्रेड, एग्जिट विल डिस्कस, ठीक है, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, अभी जैसे हमने सपोर्ट डिस्कस किया ना, उस पर ही आप एटलीस्ट एक स्विंग के पास बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो भी आप कर सकते हो। कैसे खुद को रोके, स्टॉक्स बेचने को हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम एग्जिट कर देते हैं, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल चीज है कि ये स्लोली स्लोली होगा। ठीक है, हर स्टेजेस ट्रेडर के लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि 3 स्टेजेस में से आप कौन से स्टेजेस पे हो, नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग इसी सेशन से करें, राइट, प्लीज एक्सप्लेन डेली, ओके। सी यहाँ ये जो मेरा स्क्रीनर में जो आता है, ये किसी ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, यार सर स्क्रीनर में इसका मतलब क्या है, राइट, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक्स बताओ जो 52 वीक हाई से 25% की रेंज, 0.75, मतलब 52 वीक हाई से 75%, लाइक बेसिकली 25% ही गिरे है मैक्सिमम 52 वीक हाई से। तो बिकॉज मुझे चाहिए जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है या 52 वीक हाई के आसपास है, ओके, क्लियर, ओके। आई होप सबके क्वेश्चन आंसर हो गए हो। नेक्स्ट टाइम लाइक नेक्स्ट टाइम सी, मैं खुद भी अभी लाइक उस मार्केट टाइम पे मुझे थोड़ा प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता पीपीटी, नेक्स्ट टाइम थोड़ी पीपीटी बनाएंगे और थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे इसको, आप फीडबैक इसी में डाल सकते हो सर, या फीडबैक ये कीजिए वो कीजिए। ठीक है, अगेन मेरा पर्पस है कि आपको मुझे बेसिकली जैसा कहता हूँ कि लाइक आई डोंट वॉन्ट यू टू लाइक के फिश कैसे करना है वो सिखाना है, ये नहीं कि आपको मैं फिश दे दूँ, राइट, ठीक है, यस यस, ये हर एक चीज़ डिटेल में करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट एकदम इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इंट्राडे के इंडिकेटर्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, देन धीरे धीरे ऑप्शंस में आएंगे, सब कुछ करेंगे, ओके। ठीक है, स्क्रीनर का लिंक सब कुछ व्हाट्सएप चैनल पे, आप व्हाट्सएप उस पर आ जाइए, ठीक है, मैं एक बार तो भी वापस डाल दूँ, पर सब कुछ इसमें है, ओके। व्हाट्सएप चैनल की लिंक ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, आप आ सकते, ठीक है सर। क्वालिफिकेशन CFA है, और CFA के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, आपको बेसिकली एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, देन मिलता है, ओके। आई होप आपको आज का सेशन वैल्यू ऐड लगा होगा, ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, वी कंटिन्यू दिस सीरीज गोइंग फॉरवर्ड, अगले सैटरडे वापस मिलेंगे एंड और चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।